क्योंकि आपका भाई जो है ना आजकल ये यूज करा है मैकले लंडन थिक एंड डेंस। भाई ये जो है ना सल्फेट फ्री शैम्पू है, ठीक है, कुछ पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड को तो वैसे सपोर्ट करना चाहिए भाई। ये सारे बाल जो तुमने मेरे गंदे कर दिए ना वो साफ हो जाएंगे, टेंशन नहीं भाई। चेक करो कि इसका फॉर्म कितना बना है, ये सब जो साथ गंजा हो गया था ना सब साथ के बाल वापस आने। वो शैम्पू मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉलेज तुम दे जा रही हो यार। क्योंकि मैं भी यूज करती हूं, पीछे देखो वो भी ये भी यही पड़ा हुआ है। थोड़ा सा शैम्पू लगाया, झाग कितना बन गया, साथ के हाथ में देखो। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ डकी भाई और अरूप की रिकमेंडेशन पर ये वाला शैम्पू जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, मैकले का, मैकले लंडन। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, देखा होगा, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस में मैंने बहुत ज्यादा देखा है वो यूज कर रही होती है और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही होती है। तो मेरे बालों की कंडीशन आप लोग देख लें, अभी काफी ज्यादा फ्रिजी रफ हुए हैं, तो क्योंकि गर्मी की वजह से बालों को बांध के रखना पड़ता है तो बहुत ज्यादा बालों में वेव्स आ जाती हैं। अच्छा, अब आप देख लें पैकेजिंग की बात की जाए तो सेम इसकी पैकेजिंग जो है वो सनसिल्क शैम्पू की तरह है। फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो वो भी सनसिल्क जैसी है। और बिफोर मेरे बालों की कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखा दी, और एक हफ्ता मेरी भाभी ने भी इस शैम्पू को यूज़ किया, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे, रफ हो रहे थे, झड़ रहे थे, उसके बालों में कैसा रिजल्ट मिला ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में एंड पर दिखाती हूँ। पहले आप लोग मेरे बालों में लाइव रिजल्ट देख लेना कि इसको यूज़ करने के बाद इंस्टेंट आपके बालों में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रूट्स को जो है ना गीला कर लेना है, और अपने शैम्पू का बेसिकली काम ही ये होता है कि आप लोगों ने अपने स्कैल्प पर, रूट पर लगाना होता है, ठीक है, आपने एंड्स पर नहीं लगाना होता। एंड्स पर आप लोगों ने हमेशा कंडीशनर यूज करना होता है, स्कैल्प पर कंडीशनर नहीं लगाते। और स्कैल्प को क्लीन करने के लिए हम लोग शैम्पू लगाते हैं, और शैम्पू का बेसिकली काम ये होता है कि स्कैल्प को क्लीन करे, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और जैसे कि डकी भाई ने बताया कि ये सल्फेट फ्री है, अब सल्फेट फ्री होने का क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली सल्फेट हार्श किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों को ड्राई कर देते हैं, आपके नेचुरल ऑयल्स को ख़त्म कर देते हैं, और आपके रूट्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। और अगर आप लोग बालों में डाई लगाते हो ना तो फिर तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो अब समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो आप लोग कोशिश किया करो शैम्पू हमेशा वो यूज़ करो जो सल्फेट फ्री हो। अगर ये सल्फेट फ्री भी है और बेहतरीन बालों के लिए, बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बना रहा है, तो इससे बेहतरीन शैम्पू मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी ब्रांड भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो मैं भी इसको प्रमोट करूंगी और मैं इसको यूज़ भी करूंगी अगर मुझे ये अच्छा लगा तो। अभी मेरे बाल धोने के बाद जो है ना मुझे बहुत अच्छे फील हो रहे हैं, बहुत आराम से कॉम हो रहे हैं, डिटेंगल हो रहे हैं बहुत इजीली, बालों में फ्रिज ख़त्म हो गया है, बालों में काफ़ी ज़्यादा लचक फील हो रही थी, कॉम करने में बड़ा सुकून आराम से हो रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह कि मैंने कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया बालों में, और ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, मैंने ऑब्वियसली ना मैंने खुद ख़रीदा है ना मैं इसके लिए मुझे किसी ने पे किया, मैंने तो अपनी भाभी से लेके यूज़ किया है वीडियो में दिखाने के लिए, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जरूर इंशाल्लाह खुद भी खरीद के इसको यूज करूंगी। तो अभी आप मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छे फील हो रहे हैं, गीले बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब तक मेरे बाल ड्राई होते हैं ना, मैं आप लोगों को अपने भाभी के बाल दिखाती हूँ जो कि एक हफ्ते से यूज करी, और उसके बाल काफी ज्यादा गिर रहे थे, काफी ज्यादा डैमेज हुए हुए थे, रफ हो रहे थे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि उसको क्या क्या फायदे मिले हैं अभी तक, मैंने उससे पूछा सारा डिटेल में, फिर मैं आपको बता रही हूँ। मेरे बालों में बहुत अच्छी लचक आई है, ये मेरी भाभी के बाल हैं, काफी ज्यादा शाइनी हो गए, ठीक है। अब ये बाल बांधने की वजह से जुड़ा बना के रखती है, इस वजह से वेव्स आई हुई है, लेकिन बाल बहुत उसको अच्छे फील हो रहे हैं, हेल्दी। और वो कह रही थी मेरे बालों में बहुत ज्यादा बाउंस आ गया, ठीक है, यानी कि बाल बहुत ज्यादा घने घने लगना शुरू हो गए, और रफ टेक्सचर जो था ना, फ्रिजीनेस, वो खत्म हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बाल झड़ना बंद हुए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक बाल झड़ना बंद नहीं हुए, कह रही थी बाल अभी भी गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी भाभी का जो बालों का रिव्यू, और मेरे बाल अब ड्राई हो गए हैं, इतनी देर में आप देख सकते हो मेरे बालों में अच्छी सी शाइन आ गई थी, ठीक है, और टेक्सचर बालों का स्मूद हो गया था बहुत ज़्यादा। और अभी आप देख सकते हो बालों की कंडीशन इस टाइम ये है, और होपफुली आप लोगों को आज का रिव्यू मेरा अच्छा लगा होगा। मुझे अच्छा लगा ये शैम्पू, मैं इसको इंशाल्लाह यूज़ करूँगी, तो मैं इसको दूंगी 8 out of 10। तो ये रिकमेंडेड है भाई मेरी तरफ से, डकी भाई ने अच्छी चीज़ को प्रमोट किया, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।